Yes, hello team. Very good evening to everyone. So as discussed, today we are starting with solving previous year question paper and starting with December 2022 previous year question paper for code 55, which is labor welfare. Yeah, right. हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू सी आई बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस डिनोट्स. तो जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है एज पर चेस्टर बर्नार्ड. तो चेस्टर बर्नार्ड जी ने जोन ऑफ इंडिफरेंस के बारे में थ्योरी में के बारे में बताया था, जिसे हम लोग थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस भी कहते हैं. थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस एक्चुअली नाम किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन. हर्बर्ट साइमन ने इसे थ्योरी ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोला था, जिसमें होता क्या है कि वेन यू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन there is a limit within which organization of individual respond willingly to the exercise of authority over them, right? So there is this zone aur is zone mein jo bhi authority, jo bhi authority aapko koi bhi kaam keh rahi hai ya authority ko aap willingly accept karte ho, you do whatever the authority says, aur is zone ke agar bahar dekhe तो आपके मन में थोड़ा क्वेश्चनिंग सिचुएशन आने लग जाती है कि व्हाई अथॉरिटी इज डूइंग समथिंग. थोड़ा डाउटफुल लगता है. यू डू दैट बट नॉट विलिंगली. और इसके जोन के जो आउटर लेयर में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल भी वो काम नहीं करते, वो अथॉरिटी आप एक्सेप्ट नहीं करते. तो इनिशियली ये जो जोन होता है ये पूरा बहुत बड़ा होता है और धीरे धीरे ये जोन कभी कभी नैरो होता चला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, डिपेंडिंग अपॉन द क्लैरिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, एंड दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस. So yes, so as mentioned, the right answer is the limit within which individuals will respond willingly to the exercise of authority within them. This is the zone of indifference. Correct? चलिए चेस्टर बर्नार्ड के अगर हम लोग बाकी के अगर contribution के बारे में एक बार revise कर ले साथ ही साथ, तो चेस्टर बर्नार्ड ने जो theory develop की थी that was organization and its executive function. Organization and executive functions कि जो थ्योरी है ये चेस्टर बर्नार्ड जी ने डेवलप की है. ठीक है, इनफैक्ट दिस वर्ड एग्जीक्यूटिव को अगर आप ध्यान में रखिए, ठीक है, इनका एक वर्क है, एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क जो है चेस्टर बर्नार्ड का, वो क्या है, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव. साथ ही साथ इनका एक राइटिंग है. क्या है राइटिंग, उसका नाम क्या है, एलिमेंट्री कंडीशन ऑफ बिजनेस मोरल. एलिमेंट्री कंडीशन ऑफ बिजनेस मोरल. तो इस तरीके से चेस्टर बर्नार्ड का काफी काफी और भी कई जगह इनका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है, लाइक कॉपरेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम के बारे में बताया उन्होंने, इंट्रोड्यूस किया फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, लाइक दैट. ओके, चलिए, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन. द फिनोमेनन अराइजिंग बेसिकली फ्रॉम पीपल बीइंग नोटिस्ड इज नोन एज. द फिनोमेनन अराइजिंग बेसिकली फ्रॉम पीपल बीइंग नोटिस्ड इज नोन एज. तो यहाँ पे मायो इफेक्ट तो कोई इफेक्ट है नहीं, ऑब्जर्वेशनल साइकोलॉजिकल ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है. यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हॉथोर्न इफेक्ट. इनफैक्ट हॉथोर्न इफेक्ट में क्या होता है, हॉथोर्न इफेक्ट जो कंडक्ट कराई गई थी कब से कब तक, 1924 to 1932, राइट. तो इसका कंक्लूजन ही ये था कि हमारा मैन एक सोशल ऑर्गेनिज्म है और नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स भी मैटर करते हैं. पीपल वॉन्ट टू गेट नोटिस, दे वॉन्ट टू गेट अप्रिसिएटेड. सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, नॉन इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स का भी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है. एम्प्लॉयर टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉई और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक फ्रेंडली वर्क कल्चर इज इम्पॉर्टेंट. तो कंट्रोल मैकेनिज्म आप जितना कम से कम रखोगे उतना अच्छा रहता है. तो ऑल दिस थिंग्स दैट पीपल बीइंग नोटिस्ड, दैट मींस ह्यूमैनिटी बीइंग नोटिस्ड, तो ये हॉथोर्न इफेक्ट में डिस्कस किया गया था. हॉथोर्न इफेक्ट में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे अगर हम ये भी रिवाइज कर लें, तो सबसे पहला क्या था, एक्सपेरिमेंटल इल्यूमिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1924. अराउंड एवरी ईयर आई बिलीव हॉथोर्न इफेक्ट से एक क्वेश्चन आता ही है. और कोई ना कोई जो एक शुरुआत में जो चार पांच मैनेजमेंट थिंकर हैं हमारे, चेस्टर बर्नार्ड, हेनरी फायोल, टेलर या मैरी पार्कर फॉलेट, उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है ना. तो उसके बाद ये सब चीज हम लोग नोट करेंगे.
फिर रिले है जो कि अराउंड 1926-27 में हुई थी, रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, फिर मास इंटरव्यू एक्सपेरिमेंट हुआ था है ना, उसके बाद फिर बैंक वायरिंग हुई थी, और उसके बाद फिर पर्सनल पर्सनल काउंसलिंग हुई थी। तो ये सारे ऑर्डर भी आप याद रखेंगे, पर्सनल काउंसलिंग। तो रफली इन अ ईयर ऑफ 1 to 2 ईयर ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे, और ये ऑर्डर आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस अ रिक्वायर्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस अ रिक्वायर्ड मेथड ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज। तो व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, रूल। फ्यूचर की एक्टिविटी को हैंडल करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो की डेफिनेशन है उन सारे डेफिनेशंस पे जाएंगे तो हमें हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल है गाइड टू एक्शन, है ना, गाइड टू एक्शन की कोई भी काम कैसे करना है, नो स्मोकिंग और स्टैंड इन क्यू, और तो ये सारी चीजें रूल के बारे में बताती है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम है ना एक सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है, सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, ठीक, सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज फॉर अचीविंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। तो ये हर साल अलग अलग हो सकता है। तो जो सिंगल यूज और सिंगल यूज प्लान होता है, ये जो प्रोग्राम होता है वो सिंगल यूज प्लान होता है। रूल हमारा क्या होता है, रूल हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है ना, जो कि बार बार यूज कर सकते हैं। दो तरह के प्लान होते हैं, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होते हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग, तो वो स्टैंड, तो रूल हमारा स्टैंडिंग है, राइट। उसके बाद प्रोसीजर पे जाए, तो प्रोसीजर जो है ना हमारा, वो एक तरह का वेल थॉट कोर्स ऑफ एक्शन है, वेल थॉट। जैसे कि हमारा अगर हमें रिक्रूटमेंट करना है तो हमें हमारी पॉलिसी क्या होगा, वेदर वी हैव टू अप्लाई इन, वेदर वी हैव टू पब्लिश दैट इन लिंक्डइन और इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो प्रोसीजर होता है कि रॉ मटेरियल को अगर अगर क्लीन करना है तो व्हाट विल बी द स्टेप्स वी विल फॉलो, ठीक है। तो जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी कंपनी का, इट्स ऑल्सो स्टैंडिंग प्लान जो कि, तो क्यों बनाते हैं कि हम फ्यूचर में रॉ मटेरियल जब भी क्लीन करेंगे तो यही स्टेप से क्लीन करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। हम फ्यूचर में जब रिक्रूट करेंगे तो यही स्टेप्स फॉलो करेंगे रिक्रूटमेंट के, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, वेदर वी विल बी टेकिंग रिटन इंटरव्यू और वेदर विल बी टेकिंग स्ट्रेस इंटरव्यू, इंडक्ट इंटरव्यू। तो वो क्या होता है, वो एक प्रोसीजर होता है जो कि एक स्टैंडिंग प्लान होता है फैक्ट्री के सारे काम को करने के लिए। तो वो क्यों करते हैं, फ्यूचर के एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए करते हैं, इसीलिए पॉइंट नंबर 2 प्रोसीजर हो जाएगा हमारा आंसर। स्ट्रैटेजी सच नहीं होगा, स्ट्रैटेजी जो भी हमारा मेथड्स है वो उसमें पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल आता है। प्रोजेक्ट, बजट, टारगेट, प्रोग्राम, ये सारा हमारा वन टाइम या फिर सिंगल यूज प्लान होता है, लेकिन स्ट्रैटेजी की बात हम इसमें नहीं करते, यहाँ पे हमारा प्रोसीजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो, Which of the following factors would not lead to narrow span of management? ठीक है, narrow span of management जो काम होता है बहुत ज्यादा critical होता है, बार बार ध्यान देना पड़ता है, और wide में थोड़ा routine, monotonous तो नहीं, बट हाँ एक expected होता है कि यही काम होगा और number of errors आए ऐसा कम होता है। तो would not lead to narrow span of management, मतलब कौन सी चीजें हमें इस तरफ की इशारा कर रही है, ऐसा नहीं होगा। तो inadequate delegation of authority, fast changing environment, subordinate, effective interaction between superior and subordinate, और subordinate's unwillingness to assume responsibility। देखिए अगर subordinate unwilling है to assume responsibility, तो इसमें क्या होगा, employer के specialist पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि because he's not ready to assume responsibility, type X type का हो गया ये, तो इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बार बार उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मज्यूम के रहते हैं कि हाँ सब अपना काम सही टाइम पे कर रहे हैं और सब समझदार है, कर लेंगे, तो ऐसे में होता है वाइड स्पैन। तो यहाँ पे हमारा नैरो जाएगा बिल्कुल, फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट में नैरो जाएगा, कब क्या चेंज हो जाए पता नहीं, तो बॉस को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो नैरो होगा बिल्कुल। इन एडिक्यूएट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन एडिक्वेट हो तो फिर नैरो में जाएंगे, इन एडिक्वेट अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो तो भी नैरो में जाएंगे। ये वाला पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं, इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो अगर ये तो बहुत आसान से पता ही चल रहा है कि अगर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में इफेक्टिव इंटरेक्शन जो है ना वो अज्यूम्ड है, तो फिर वो एम्प्लॉयर जो है ना, जो सुपीरियर है, वो ज्यादा लोगों को भी स्पैन में रख सकता है,
है ना, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। अगर इंटरेक्शन डिफिकल्ट है तो फिर हमें नैरो की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो पॉइंट नंबर थ्री हमें हमारा यहाँ पर इजीली हमें आंसर मिल जा रहा है, इट विल लीड टू वाइड स्पैन ऑफ पनिशमेंट, इनएडिक्वेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कंप्लीट नहीं है, इनएडिक्वेट है, तो भी नैरो स्पैन ऑफ पनिशमेंट होगा, क्योंकि आपने ठीक से डेलीगेट नहीं किया है। अगर आप प्रॉपरली डेलीगेट कर दोगे, सारे काम डेलीगेट कर दोगे, तो फिर वाइड हो जाएगा। और आपने अगर थोड़ा थोड़ा डेलीगेट करना है, थोड़ा थोड़ा डेलीगेट करना है, तो वो लॉन्ग होता चला जाएगा। तो पॉइंट नंबर थ्री हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट एंड डेवलप बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है यहाँ पे, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्किल, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स में क्या होता है, सबसे पहले हम क्रिटिकल इंसिडेंट को जनरेट करते हैं, फिर क्रिटिकल इंसिडेंट से जो जो पर्सनैलिटी फैक्टर्स आगे आते हैं, जो जो भी कैरेक्टर आगे आते हैं, उनको फिर फर्दर बिहेवियरल डायमेंशन उनको कंसीडर करते हैं, फिर बिहेवियरल डायमेंशन को रेट करते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट में कुछ ऐसा हुआ कि किसी पर्सन ने अपने दूसरे कलग की हेल्प की, तो फिर एक डायमेंशन बना देंगे कि हेल्पफुलनेस, और उसमें फिर उस एम्प्लॉय को रेट करेंगे। तो लाइक दैट वी डू इन बिहेवियरल रैंकर्ड रेटिंग स्केल, क्रिटिकल इंसिडेंट से आप बिहेवियरल डायमेंशन फाइंड आउट करके फिर उसके अकॉर्डिंग रेटिंग करते हैं इन बार्स, राइट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल है, मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल, और ये सारे अगर देखें फोर्स चॉइस और क्रिटिकल इंसिडेंट, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल है। मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अप्रेजल में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल आपका एक जो आपका इनहेरेंट एक टैलेंट है, जैसे कि जो हो सकता है फ्यूचर, जैसे कि ट्रस्ट, योर इनहेरेंट गुडनेस टू वर्क, ठीक है, ये सारी चीजों को भी अज्यूम करता है कि यू कैन बी अ बेटर परफॉर्मर, और आपके जो हिडन पोटेंशियल है उसमें भी उसको भी इम्प्रूव करने का, उसको भी नर्चर करने का इसमें चांसेस होते हैं मॉडर्न वेज ऑफ अप्रेजल में। ट्रेडिशनल में सिंपली आपने क्या काम किया, आपके पास्ट में फोकस करता है ट्रेडिशनल, और आप फ्यूचर में कैसे एसेट हो सकते हैं उस पे फोकस करता है मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो एन एम्प्लॉय डेवलपमेंट मेथड विच वॉज पॉपुलराइज बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल and which focuses on the cases of actual experience of organization to make the trainees determine the problem, analyze the causes and develop alternate solution, है ना? तो सिंपल है, कमिटी असाइनमेंट होगा नहीं, जॉब रोटेशन नहीं, आउटडोर ट्रेनिंग नहीं, ये सब सिंपली दिख रहा नहीं, इजी क्वेश्चन है। बिफोर जो केसेस है, वी हैव केसेस एंड ऑफ एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है उसमें फिर आप डिटरमाइन करते हो क्या प्रॉब्लम है, एनालाइज करते हो, डेवलप करते हो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, ये है हमारा सिमुलेशन, है ना। तो सिमुलेशन में हमारे केस स्टडीज भी आ जाते हैं, बिजनेस गेम्स भी आ जाता है, तो यस, तो वो सब इसमें है। हाँ, केस स्टडीज की बात हो रही है तो सिमुलेशन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, इसमें से कौन सा फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट नहीं है? टेलीकम्यूटिंग क्या होता है? वर्क फ्रॉम होम जो भी जॉब करते हो, और यू डू नॉट प्रेजेंट योरसेल्फ फिजिकली एट वर्क, दैट इज टेलीकम्यूटिंग, तो ये भी एक तरह का फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट है। जॉब शेयरिंग भी, कंप्रेस्ड वर्क वीक, ये भी हमने पढ़ा था। कंप्रेस्ड वर्क वीक में क्या होता है, जो आप 8 आवर्स के लिए 5 दिन जाते हो ऑफिस, तो इन टोटल हाउ मेनी आवर्स 40 आवर्स, तो इन 40 आवर्स के लिए आप 4 डेज ऑफिस जाओगे फॉर 10 आवर, तो दैट इज 10 आवर ईच डे, दैट इज कंप्रेस्ड वर्क वीक। तो यहाँ पे भी एक फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट की चीजें दिख रही है। जॉब शेयरिंग में भी आप अगर फर्स्ट हाफ में बिजी हो तो आपने शेयर कर दिया फर्स्ट हाफ का काम किसी और को, सेकंड हाफ में आपने अपना काम कर लिया, लाइक दैट। ये सारे जॉब फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट दिख रहे हैं, बट टाइम ऑफ, अगर आपने टाइम ऑफ लिया है तो फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट की तो बात नहीं है। यहाँ पे काम होना ही है, तो इन तीनों जगह काम होता है, टाइम ऑफ में तो कोई काम ही नहीं हो रहा, राइट। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। पता है कि क्या होता है उसमें इसमें तो पहले से ही फिक्स क्या हुआ रहता है कि 10% को सपोज आपको गुड ही देना है, 20% को एवरेज देना है, 30% को नॉट गुड देना है, 40% को वर्स्ट देना है। अगर ऐसा आपका पहले से फिक्स है, तो अगर ज्यादा लोग भी, इनफैक्ट 20% लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू विल पुट 10% ओनली इन दैट,
दैट इज फर्स्ट चॉइस. और उसके बाद क्या डाउट है, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. सेम ही है बिल्कुल, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स्ड चॉइस. तो फोर्स्ड चॉइस के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को इन दैट, राइट. तो फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी वही वाला हो जाएगा, फोर्स्ड चॉइस ही हो जाएगा, है ना. ठीक है, देखिए ओके, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, इसको फिर देखते हैं. हैंडलिंग रिक्वायर्ड मेथड इज अ स्ट्रेटजी अ मेथड जस्ट थिंक. स्ट्रेटजी मेथड होता है क्या? नहीं, स्ट्रेटजी इज अ वेरी बिग वर्ड, वेरी बिग वर्ड. अगर मेथड की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेथड. एक है स्टैंडिंग और एक है, और एक है हमारा क्या, वन टाइम सिंगल यूज. स्टैंडिंग में आप देखिए वो मैं जो जो चीजें आती है स्टैंडिंग में, कौन कौन सा आता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, ये सारे स्टैंडिंग प्लान में आते हैं. और उसमें प्रोसीजर सीधा हमें फ्यूचर एक्टिविटी में, मतलब क्या क्या काम हमें कैसे करना है वो बताता है प्रोसीजर. स्ट्रेटेजी इज नॉट अ मेथड, करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते देखिए. तो इसी तरह बहुत अच्छा, थैंक यू ऑल कि आप लोग इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो, ताकि बिल्कुल जो माइन्यूट डाउट भी मन में है वो सब कुछ क्लियर हो जाए. Next, how which of the following is one-time payment that some employees pay at the time of terminating an employee? तो ये सब तो हमें पता है, supplemental pay, severance pay, insurance pay, disability pay, काफी easy question है. तो काफी easy question है, तो severance pay इसका answer हो जाएगा. Disability pay, disability allowances and disability compensation. पता है ना इसमें difference क्या होता है? Disability allowance and disability compensation. And disability compensation. You know the difference, right? मैंने क्लास में ऑलरेडी करवाया है disability allowances और disability compensation में difference, है ना. तो disability allowances में क्या हो गया कि अगर person disable है, it was in Mines Act, right? Yes, Mines Act में था कि person अगर disable है और उसका जब health checkup हुआ and he is being offered some other job because he is disabled, so he is being offered some other jobs by the employer, तो वो disability allowance हो जाएगा, right? And if the employee wants to leave the company, उसे company छोड़नी है कि भाई मुझे तो disable, जब health checkup के बाद उसे पता चलता है कि वो disable हुआ है, किसी काम को वो ठीक से नहीं कर पाता, कुछ limb में कुछ problem है, तो वो हो जाएगा compensation, compensation. तो वो job छोड़ रहा है तो उसे disability compensation मिलेगा, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not an organizational level intervention? हाँ, तो appreciative inquiry, parallel learning structure, transformational leadership, team building. तो यहाँ पे ऐसा team building होगा. ये कभी मैंने आपको बताया था, I think group में message किया था कि team building जो है ना वो group level intervention माना जाता है. तीन तरह के intervention होते हैं. Individual level. इंडिविजुअल लेवल इंटरवेंशन क्या हो जाएगा, आप अगर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो एंड यू हैव थॉट दैट यू विल वेक अप टुमारो एट 6 PM एंड यू विल गो टू द जिम एंड ऑल, ये इंडिविजुअल लेवल. ग्रुप लेवल मतलब इंडिविजुअल लेवल में हम किसी पर्टिकुलर इंसान पे ध्यान देते हैं, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ग्रुप लेवल में क्या होता है कि एक ग्रुप में लोग कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा इंटरवीन करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं. अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? अप्रिशिएटिव इंक्वायरी का मतलब होता है जितने भी नए कीवर्ड्स आपको मिलते हैं PYQ में, उन सबको देखिए, पढ़िए, समझिए. अप्रिशिएटिव में क्या होता है कि इट इज एन अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन इंगेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन इंगेजमेंट का एक ये अप्रोच है जिसमें कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनसे डायलॉग्स मतलब उनसे बातें की जाती है, उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है क्वेश्चनिंग में एंड डायलॉग में, जिससे कि हम अनकवर करते हैं लोगों का स्ट्रेंथ, लोगों को लोगों के किसी किसी लोगों में क्या क्या USP है, क्या लोगों का नेचुरल टैलेंट है, क्या एडवांटेजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, उन लोगों का उन लोगों में क्या क्या टैलेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी होती है. तो बस बातें करना, क्वेश्चन करना, डायलॉग सेशन करना, ये सारी चीजें जो फाइंड आउट करना, दैट इज व्हाट इज अप्रिशिएटिव इंक्वायरी. मतलब एक इंक्वायरी टू फाइंड थिंग्स विच वी कैन अप्रिशिएट इन अ ग्रुप. पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर होता है व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम पैरेलल टीम इन आर ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ही होगा, और टीम बिल्डिंग हमारा ग्रुप लेवल इंटरवेंशन है, नॉट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, चलिए आई टेक द डाउट वंस अगेन. सिंगल यूज इज ऑल प्रोजेक्ट बजट. सिंगल यूज में देखिए कुछ चार चीजें होती है, प्रोजेक्ट, बजट, टारगेट एंड प्रोग्राम.
टारगेट एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम और प्रोसीजर में कंफ्यूजन हो जाता है, तो प्रोसीजर हमेशा के लिए रहता है, रॉ मटेरियल ऐसे ही क्लीन होंगे, लेकिन जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम इज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टेकन दैट टाइम, है ना, प्रोग्राम इज फॉर, प्रोग्राम इज सिंगल यूज, इट इज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टेकन दैट टाइम। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया, सपोज जो कि बस वन टाइम हो सकता है कि आपको मे बी ऑफिस का रेनोवेशन कराना है, तो वो बहुत दिनों में एक बार होगा, तो ऑफिस का रेनोवेशन कराना है तो आपने वो काम किसको सौंपा और क्या क्या हुआ, तो वो कोई ऐसा काम जो कि एक बार होगा, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो चीजें ली जाती है वो है प्रोग्राम, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए सिक्वेंस ऑफ स्टेप प्रोग्राम है, और जो रूटीन काम जो कि फ्यूचर में होगा उसके लिए सिक्वेंस ऑफ स्टेप हमारा प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, Which of the following is not an element of knowledge management? तो और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है, और नॉलेज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल्स आप शेयर की जाती हैं, जो भी क्लाइंट्स के रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड है, अपना KSA है, एवरीथिंग, तो वो सारा को मैनेज करना, वो सारा को न्यू ज्वाइनिंग को पास ऑन करना, एवरीथिंग इज व्हाट नॉलेज मैनेजमेंट। तो नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज यूटिलाइजेशन, नॉलेज एमिग्रेशन, ऑब्वियसली ये पार्ट इसका हो ही नहीं सकता, नॉलेज का हम एमिग्रेट क्यों करेंगे, जितना शेयर हो सकेगा उतना शेयर करेंगे, जितना फायदा हम जितना ले पाएंगे हम उतना फायदा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन बैलेंस स्कोर कार्ड फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स सच एज ऑर्डर फुलफिलमेंट और कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का क्या है कि आपको जैसे कि बताया था मैंने, आपको थोड़ा माइंड ओपन रखना है कि कौन-कौन सी चीजें क्या होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा, क्या काम हो रहा है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, ऑर्डर फुलफिलमेंट पर कॉस्ट और कॉस्ट पर ऑर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का कोई भी बात नहीं, कस्टमर सर्विस, यहाँ पे कस्टमर का नाम ही नहीं, कस्टमर सर्विस में हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखेंगे, लर्निंग एंड ग्रोथ भी नहीं, पर हाँ बिजनेस प्रोसेसेस यहाँ पे जरूर मिल जा रहे हैं हमें। तो अगर हम सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और इन सब अपने अपना बस थिंकिंग अप्लाई करेंगे, वी विल एबल टू फाइंड दिस आंसर क्वेश्चन नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, वी आर फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स। तो शॉप फ्लोर की बात हो रही है, शॉप फ्लोर में ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स, प्रोडक्शन, ऑर्डर फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं, कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है, तो वो सारे हमारे बिजनेस प्रोसेस है। एक ब्रांच होता है प्रोसेस इंजीनियरिंग, प्रोसेस इंजीनियरिंग में मेनली ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेटजी इन विच MNCs लुक फॉर इनोवेशन एंड डिजाइन एंड प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। क्या है क्वेश्चन, कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, कॉम्पोनेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत सारी चीजें होती है। हैव यू एवर सीन बैलेंस स्कोर कार्ड, लाइक इफ यू हैव वर्क और इफ यू आर वर्किंग समवेयर, तो आपने देखा होगा बैलेंस स्कोर कार्ड हर साल के अंत में आता है, ठीक है, जिसमें कि आपने कितना, आप कौन कौन सा आपने काम किया, आपका कितना कितना परसेंट टारगेट आपका हर मंथ अचीव हुआ, और कहाँ कहाँ आपने इनोवेशन शो की, एक एक चीज, एक एक मेट्रिक, मतलब जब आप भी ऑफिस में काम करते हो तो हर काम का एक एक मेट्रिक होता है, ग्राफ होता है, कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जा सकती थी, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क, बहुत सारी चीजें रहती है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक बहुत ही वास्ट चीज होती है, तो ये जो बहुत सारा डायमेंशन होता है इसमें, इनफैक्ट तो अगर आप बैकएंड में काम कर रहे हो तो बिजनेस प्रोसेस का डायमेंशन होगा, अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हो तो कस्टमर सर्विस का डायमेंशन होगा, राइट, तो आपके काम पर डिपेंड करता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या काइंड ऑफ ग्राफ नहीं होता, मेट्रिक होता है। आप लोगों ने, ठीक है, कभी जनरल क्लासेस में आपको कोई सैंपल स्कोर कार्ड शेयर कर दूंगी, जैसे कि कोई भी पर्सन हो गया, वीकली रिकॉर्ड, मंथली रिकॉर्ड, बहुत बड़ा सा ये डॉक्यूमेंट होता है। फिर अगर आपने कभी जहां जहां भी एक रफ एस्टिमेट होता है, ग्राफ नहीं होता, एक आपका एस्टिमेट होता है कि कहाँ पे आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो हाईलाइटेड रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा तो रेड मार्क रहेगा, फिर यहाँ पे फीडबैक रहेगा, तो जस्ट ये रिकॉर्ड कि आपने वीकली कितना काम किया, मंथली कितना काम किया, ईयरली कितना काम किया, फिर यहाँ पे आपके मेट्रिक्स रहेंगे कि कस्टमर सर्विस में आपका कैसा ग्रोथ रहा, टारगेट फुलफिलमेंट में आपका कैसा ग्रोथ रहा, फिर और जो कुछ भी है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन में आपका कितना रहा, फीडबैक, तो इस तरह की चीजें रहती है कि ओवरऑल आपका काम का ओवरऑल एक सिनेरियो रहता है, एवरीथिंग। And then, what is the name of a strategy in which MNCs look for innovation and design and produce new products to gain competitive advantage? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इनफैक्ट मार्केटिंग का है, मार्केटिंग और या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी का आप कह सकते हैं, मे बी आपने कॉलेज में पढ़ा हो
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी यूज कर रहे वो है माइल्स एंड स्नो, माइल्स एंड स्नो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो माइल्स एंड स्नो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में बताया जाता है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी। ऑन द रेट एट विच कंपनीज चेंज देयर प्रोडक्ट और मार्केट। तो ये जो चार तरह के रिएक्टर, प्रोस्पेक्टर, एनालाइजर, डिफेंडर, ये चार तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी होती है। तो हाँ, तो देखिए क्या होता है इसमें। तो जो प्रोस्पेक्टर होता है ना, प्रोस्पेक्टर का काम क्या होता है, ये हमेशा इनोवेट करते रहते हैं। दे फाइंड न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, उनको ग्रो करना, उनको रिस्क लेना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो दे आर काइंड ऑफ अ डायनेमिक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएटिव, इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे प्रोस्पेक्टर होते हैं। फिर जो डिफेंडर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, डिफेंडर हमारे थोड़े प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, जो करंट मार्केट में चल रहा है उसी को चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हो जाएगा, और थोड़ा लो यहाँ पे ओवरहेड थोड़ा कम होगा, प्रोडक्शन एफिशिएंसी थोड़ा, मतलब ग्राफ इसका सीधा सा रहेगा, ज्यादा रिस्क नहीं लेते, खुद को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टर टिक अपोजिट हो जाते हैं। फिर आता है रिएक्टर और एनालाइजर। तो एनालाइजर जो होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं करंट मार्केट ट्रेंड प्लस थोड़ा मोड़ा इनोवेशन। तो ये दोनों के मिक्सचर होते हैं रिएक्टर, प्रोस्पेक्टर और डिफेंडर के मिक्सचर होते हैं, कि भाई करंट भी मेंटेन करना है, थोड़ा मोड़ा इनोवेशन हम करेंगे, ठीक है। तो मॉडरेट चेंज होता है इसमें, और थोड़ा मोड़ा क्रिएटिविटी भी होता है, थोड़ा मोड़ा टाइट कंट्रोल भी होता है रिएक्टर में। और एनालाइजर में क्या होता है, सॉरी, जो मैंने भी बताया वो एनालाइजर का था। हाँ, एनालाइजर हमारा एक्चुअली क्या है, प्रोस्पेक्टर प्लस डिफेंडर, ठीक है, दोनों होते हैं वो लोग। प्रोस्पेक्टर में जो बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव होते हैं, और डिफेंडर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ज्यादा इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं होते, रिस्क नहीं लेते, ये दोनों को बैलेंस करके चलते हैं कौन, एनालाइजर, जैसा कि नाम बता रहा है, एनालाइजर दोनों को मेंटेन करके चलते हैं। दे मेंटेन करंट मार्केट प्लस थोड़ा मोड़ा मॉडरेट इनोवेशन। रिएक्टर क्या होता है, कि रिएक्टर का कोई स्ट्रैटेजी हो नहीं होता, नो स्ट्रैटेजी। इन तीनों का कुछ तो स्ट्रैटेजी है, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई क्लियर ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच नहीं होता, जैसा जरूरत हो वैसा ये लोग बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन करंट नीड्स, दे रिएक्ट टू सिचुएशन, नो प्रीवियस प्लान। मन करता है कि चलो अभी ग्रो करने हैं तो ग्रो करेंगे, मन करता है अभी फास्ट पेस नहीं जाना है तो नहीं जाते। These are the four organization strategy कि product को कैसे introduce करना market में, that is Miles and Snow ने दिया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा MNC innovation and design and produce new product to gain competitive advantage, हमारे सीधा आंसर आ जाएगा prospectors। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following represent the extent to which group members support and validate one another while at work, the group collaboration, functioning cohesion, citizenship behavior। यहाँ पे भी थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे तो भी हो जाएगा। ग्रुप कोहेशन क्या होता है, ग्रुप कोहेशन मतलब डिग्री ऑफ व्हाट यू कैन से डिग्री ऑफ बॉन्ड बिटवीन द ग्रुप, जितने भी जो ग्रुप में जो लोग हैं उनके आपस में क्या कितनी बॉन्ड। कोहेशन मतलब कितना अट्रैक्शन है, राइट, कितना अट्रैक्शन, तो हाउ दे आर अट्रैक्टेड, हाउ दे आर मोटिवेटेड बाई इच अदर, हाउ दे आर सपोर्ट टू इच अदर, टू मेक सपोर्ट एंड वैलिडेट वन अनदर। ये जो कीवर्ड है सपोर्ट एंड वैलिडेट, ये हमारा ग्रुप क्वेश्चन बन जाएगा। ग्रुप कोलैबोरेशन हमारा एक फॉर्मल वर्ड होता है, जिसमें फॉर्मल वर्ड होता है, अगर ऑफिस सेटिंग में हो, अगर आप काम करते हो तो आपको ऐसा बोला जाता है मार्केटिंग टीम के साथ कोलैबोरेट करके वे प्रोजेक्ट बना दो, तो उसमें ये चीज नहीं होती कि आप सब, मतलब एक बहुत ही फॉर्मल, ठीक है, कोलैबोरेट करना है, आपने डेटा लिया, बातचीत की, टीम बना दिया, खत्म। लेकिन जो इंटरनल बॉन्डिंग की बात आती है कोलैबोरेशन में, उसका मीनिंग नहीं होता। कोलैबोरेशन में बाद में बॉन्डिंग आ सकती है, बट कोलैबोरेशन वर्ड का मीनिंग इंटरनल बॉन्डिंग नहीं होता, इंटरनल बॉन्डिंग सिर्फ कोहेशन में आती है। नेक्स्ट द इमोशनल और फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, आई एम एंग्री ओवर हाउ लिटल आई एम पेड, दिस रिप्रेजेंट, जिस किसी ने भी आंसर किया है ये, हाउ कम द आंसर शुड बी अफेक्टिव, राइट, आंसर हमारा कॉग्निटिव नहीं होगा, अफेक्टिव होना चाहिए। तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल, नॉर्मेटिव, देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एम एंग्री ओवर हाउ लिटल आई एम पेड, तो यहाँ पे इमोशनल एस्पेक्ट की बात हो रही है। एटीट्यूड के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, ABC, बिहेवियरल, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इट इज हाउ यू एक्ट और रिएक्ट।
अगर आपने ये बोला कि आई डिड नॉट ईट होल डे बिकॉज आई वॉज एंग्री, ये हो जाएगा बिहेवियरल कि आपने क्या एक्ट किया, आपने कैसा रिएक्शन शो किया. ठीक है, कॉग्निटिव व्हाट इज इन योर माइंड. ठीक है, आपके आपका माइंड में क्या है वो है कॉग्निटिव. आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा कि अच्छा ठीक है, आपने कुछ ऐसा सीखा होगा कि यू लर्न दैट गेटिंग सम डिग्रीज और गेटिंग सम एक्सपीरियंस विल कॉज यू विल गिव यू मोर मनी. गेटिंग सम एक्सपीरियंस और गेटिंग सम मोर डिग्री विल गिव यू मोर मनी. तो वो जगह कॉग्निटिव कुछ इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड में डाला. अफेक्टिव इज ऑलवेज इमोशनल. यहाँ पे कीवर्ड दिया हुआ है तो अफेक्टिव होगा. इट्स इजी क्वेश्चन, राइट? अफेक्टिव ही होगा. अफेक्टिव ऑलवेज रिफर्स टू योर इमोशन, है ना? ओके ठीक है. चलिए आई विल टेक वन चेक आउट द बैच ग्रुप सेंट एन इमेज ऑफ कॉमर्स ऑफ ई कॉमर्स बैलेंस स्क्रोड का. ओके मोनिशा, थैंक यू. चलिए आगे बढ़ते हैं. और which one of the following is not an organizational factor of stress? तो जो organization stress होता है वो generally जो हमारे syllabus में है कि stress जो है ना वो जिस चीजों से cause होता है वो होता है आपका role ambiguity से, role expectation से, और role conflict से भी होता है, role overload से होता है. तो इन सारी चीजें से stress होता है. अगर आपका role ambiguity है, पता नहीं चल रहा क्या करना है भाई, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मैंने करवाया है क्लास में. रोल ओवरलोड, अगर बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा काम मिल जाता है, तो ये सारी चीजें, रोल एक्सपेक्टेशन, तो इन सब से हमारा स्ट्रेस होता है. टास्क स्ट्रक्चर से भी हमें स्ट्रेस होगा. लेकिन इंटरपर्सनल वेरिएबल सबसे ज्यादा स्ट्रेस कॉज करेगा. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगर या फिर एम्प्लॉई या पीयर्स के बीच में अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो ये सारी चीजें कॉज करेगी हमारा स्ट्रेस. पर परसेप्शन इज अप टू अस. परसेप्शन इज व्हाट आवर माइंड हैज परसीव्ड, तो इट इज अप टू अस. तो परसेप्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर ऑफ स्ट्रेस नहीं माना जाता है. परसेप्शन जो है वो इनफैक्ट कभी भी हमने परसेप्शन को स्ट्रेस से रिलेट तो नहीं किया, राइट? तो ये नहीं होगा. इनफैक्ट एटीट्यूड का आप अफेक्टिव कंपोनेंट को फिर भी स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हो, परसेप्शन को हम नहीं करेंगे. हमारा आंसर फोर हो जाएगा. दीज क्लियरली दीज थ्री फैक्टर्स कॉज स्ट्रेस. क्वेश्चन नंबर सेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डायमेंशन दैट कैरेक्टराइज समवन एज काम कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर वर्सेस नर्वस डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर. ठीक है, तो यहाँ पे ये किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू आर ओशियन मॉडल. ओशियन मॉडल, ओशियन मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी जिसे हम बिग फाइव भी कहते हैं, बिग फाइव मॉडल भी कहते हैं, जिसे हम फाइव फैक्टर मॉडल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फाइव फैक्टर मॉडल, गिवन बाय जे एम डिगमैन एंड एक्सटेंडेड बाय गोल्डबर्ग. ठीक है, और इसमें ओशियन मॉडल में जो पांच चीजें हैं, ओ इज फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, है ना? ओ इज फॉर ओपननेस, और उसके बाद फिर ओ सी ई ए एन आपको दिख रहा है. ठीक है, तो ओपननेस, तो दैट्स काम कॉन्फिडेंट सिक्योर वर्सेस नर्वस डिप्रेस्ड एंड इनसिक्योर. ये हमारे क्लियरली इमोशनल स्टेबिलिटी है, जिसे न्यूरोटिसिज्म भी कहते हैं. तो न्यूरोटिसिज्म का आप एन कंसिडर कीजिएगा तो फिर यहाँ पे हमारा ओशियन बन जाएगा. एंड यस, जैसा कि दिख रहा है, ओपननेस मतलब कितने आप एक्सट्रोवर्ट हो. कंसाइसनेस मतलब क्या होता है? तो कंसाइसनेस मतलब होता है कितने आप थॉटफुल हो, कितना आप ऑर्गेनाइज्ड हो, कितना आप गोल ओरिएंटेड हो, कितने आप कितना आपका सेल्फ कंट्रोल है, ये बताता है. एग्रीबलनेस, आप पे कितना ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है, आपके में कितनी ज्यादा एम्पैथी है, आप कितना हेल्पफुल बिहेवियर है आपका, कितना रिस्पेक्ट है दूसरों के लिए. एक्सट्रोवर्ट, अच्छा एक्सट्रोवर्ट ही ओपननेस में आ जा रहा है, राइट? हाँ, वन सेकेंड, ओशियन मॉडल को हम लोग क्लियरली पहले देखते हैं. ओ इज फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस. ओ इज फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, दैट इज हाउ मच क्रिएटिव, हाउ मच इमेजिनेटिव, हाउ मच इंसाइटफुल यू आर. ओ सी ई इज फॉर, यस, ई इज फॉर एक्सट्रोवर्जन, ई ए एन, यस करेक्ट, सब कुछ ठीक है. ओके चलिए, राइट, सो वी हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली. जितने भी डेफिनेशन होते हैं इम्पोर्टेंट आपको करवाया जाता है, तो ये हमने नहीं देखा है. बट हाँ, मैंने
ये एक डेफिनेशन जरूर मैंने कभी पहले देखा था किसी एक पीवाईक्यू में देखा था कि रिचर्डसन था और इंडस्ट्रियल रिलेशन एक आर्ट की बात की जा रही थी। तो आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करते रहेंगे और किसने क्या कहा अगर आप नोट डाउन करते रहेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगा। तो जॉन डनलॉप नहीं है, फ्लैंडर्स नहीं है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रिचर्डसन। रिचर्डसन के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन में आती है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के डेफिनेशन में इनकी बात आती है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एन आर्ट, ये आप नोट डाउन कीजिए कि रिचर्डसन ने बोला था द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, द लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स द ग्राउंड वेयर इन द सीड्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ग्रोज, हू सेड दिस। लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स द ग्राउंड वेयर इन द सीड ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म ग्रोज, तो ये एक्चुअली किसने कहा था, ये हमारे एस डी पुनेकर जी हैं, इन्होंने कहा था, ठीक है, कोल भी नहीं होगा, एस डी पुनेकर जी ने कहा था। तो इसमें हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन में जितना ज्यादा आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि किसने दिया तो इट विल बी इन योर कंट्रोल, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि कौन सा डेफिनेशन उन्होंने, ये लोग पूछ देंगे, बट इसको आप ध्यान में रखिए, नोट डाउन कीजिए, द लेबर मूवमेंट प्रिपेयर्स द ग्राउंड where in seeds of trade unionism grows, okay? आगे बढ़ते हैं, question number 19, which trade union was a laboratory for experiencing ideas about industrial relation as pursued by Gandhi ji? अब Gandhi ji का नाम आ जाता है तो easily हमें मिल जाएगा, मद्रास लेबर यूनियन। ये सारे ट्रेड यूनियन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पढ़ते ही इसकी जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, किस साल में बना, आपके माइंड में फ्लैश होना चाहिए। फ्लैश हो रहा है, फ्लैश हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो योर प्रोफेशन इज वेरी 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 पुअर, है ना। AITUC, इनफैक्ट जिन जिन बच्चों का मन में AITUC की पूरी हिस्ट्री, उसका बाइफर्केशन, फिर वो कैसे मिला, कौन कौन सी पार्टी कम्युनिस्ट थी, कौन कौन सी पार्टी रेडिकल थी, अगर मन में आ रहा है तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, तो वो समझिए आप बहुत अच्छे नहीं बोलूंगी तो अच्छी है, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन किसने बनाया, कब बनाया, पॉइंट वाइज Is it coming in your mind? Is it all coming in your mind? आ रही है तभी ठीक है। AITUC का अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग देखोगे कि AITUC it was presided by Lala Lajpat Rai, but who was the first chairman of AITUC? इससे भी क्वेश्चन आया है, presided by Lala Lajpat Rai, but first chairman of AITUC was Diwan Chaman Lal. Do we know about this? अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो यू वुड हैव नोन, दीवान चमन लाल वाज द फर्स्ट चेयरमैन और जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय, राइट। तो लाइक दिस एवरीथिंग शुड बी कमिंग इन योर माइंड। अगर हम लोग टेक्सटाइल लेबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद की बात करें तो इट वॉज सेटअप बाय अनुसुईया साराभाई, गांधी जी, और एक और पर्सन का नाम आता है शंकर लाल बंटर, हाँ यही अनुसुईया साराभाई, गांधी जी और शंकरलाल बंटर, इनका भी नाम आता है शंकरलाल बंटर। ये तीनों ने मिलकर टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद बनाया था ना, कहीं कहीं पे आपको 1918 मिलेगा, कहीं 1920 मिलेगा, बट 1920 आप मानिए, ठीक है। मैंने काफी इस पर रिसर्च किया किस साल पे बना है, तो मोस्टली कई सारे टेक्स्ट में 1920 भी है। 1918 से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई थी बनाने की, 1918 से काम शुरू हो गया था, बनते बनते 1920 हो गया था ये एसोसिएशन। इट वाज मेनली फॉर ये जो टेक्सटाइल मिल्स में जो लेडीज थी, अनुसुईया साराभाई ने इसके लिए स्टेप उठाया था कि जो लेडीज थी टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन टेक्सटाइल मिल्स में अहमदाबाद की, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए मेनली ये वाला ट्रेड यूनियन बनाया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक ट्रेड यूनियनिज्म इन न्यू सोसाइटी, ठीक है। तो बुक एंड ऑथर हर बार आता है, जितने भी आपने अपने जो आपका जो कलेक्शन होगा बुक और ऑथर का, उसमें इसको भी ऐड करते चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं, ऐड करते चलिए, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए, कुछ भी बुक का आ सकता है। हु ऑथर द बुक ट्रेड यूनियनिज्म इन न्यू सोसाइटी, हैरोल्ड जे लस्की, ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंपनसेशन टू अ वर्कमैन इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ अनअवॉर्डेबल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयर। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब तो तुरंत आपको क्लिक करना है, आपको मार्क्स भी स्कोर करने हैं, साथ ही साथ टाइम भी सेव करना है, तो 3 months सैलरी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट द टू जज बेंच हैज डिलीवर्ड अ मोमेंटस जजमेंट ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स राइट टू स्ट्राइक ऑन
6 अगस्त 2003। तो देखिए आसपास के कभी कुछ इवेंट होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैंने कभी मारुति सुजुकी का कोई इवेंट के बारे में आपको बताया है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था 6 अगस्त 2003, इसमें क्या हुआ था कि जो टी के रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, कुछ ऐसा केस हुआ था जिसमें कि जिन जिन लोगों ने स्ट्राइक किया था ना, जिन जिन लोगों ने स्ट्राइक किया था तो उनको उनको ना उनको जॉब से निकाल दिया गया था, उनको जॉब से निकाल दिया गया था, ठीक है? तो टी के रंगाराजन पेटिशन लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के पास कि जो कि स्ट्राइक का तो राइट होता है, लोगों के पास स्ट्राइक का तो राइट है, फिर उनको जॉब से क्यों निकाला गया, फिर उनको जॉब से क्यों निकाला गया? गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि भाई लोगों ने स्ट्राइक किया है तो जॉब से निकाल दो, ठीक है? तो टी के रंगाराजन पिटिशन लेके आए थे कि स्ट्राइक अगर किया गया है तो स्ट्राइक तो हमारा बेसिक राइट है, तो आप उनको जॉब से क्यों फायर किया? तो ये वाला एक केस बना था टी के रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी कुछ फिर से आ गया तो इतना हम लोग ध्यान रख सकते हैं, राइट? अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इनवर्स सेशन ऑफ आईएलसी द क्वेश्चन ऑफ फ्लेमिंग स्टैंडिंग ऑर्डर केम अप फॉर कंसीडरेशन। तो मैंने आपको बताया था आईएलसी के जितने भी सेशन है, जितने भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है उसके नोट्स बनाइए, कब किस सेशन से क्वेश्चन आ जाए पता नहीं, तो कुछ कुछ सेशन हमने नोट डाउन करके रखे इंपॉर्टेंट, राइट? तो फिफ्थ सेशन है, तो फिफ्थ सेशन हमारा कहाँ हुआ था? फिफ्थ सेशन हमारा हुआ था इनफैक्ट न्यू दिल्ली में, और उस समय बी आर अम्बेडकर जी थे उसके चेयरमैन, है ना? बी आर अम्बेडकर जी उस समय इसके चेयरमैन थे। न्यू दिल्ली में हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी उस समय थे, आई थिंक 1944 में हुआ था, आई थिंक, ठीक है, 1944 में हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे, न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, आई विल हैव टू चेक, बट आई कैन रिकॉल 1944 में था, क्योंकि एट सेशन फिर हमारा हुआ था, एट सेशन भी इम्पोर्टेंट है, 1947 में हुआ था, ठीक है? तो फिफ्थ सेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, बी आर अम्बेडकर जी थे, और पहली बार यहाँ पे बोला गया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर का कंसिडरेशन कीजिए, उसके बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में आई थी, राइट? फिर एट सेशन में अगर हम देखें तो 1947 में था, जिसमें कि इंडस्ट्रियल कमिटी सेटअप करने की बात की गई थी। फिर 16th सेशन 15th सेशन, इन सब के बारे में मैं बताती रहती हूँ, है ना? और या 15th सेशन भी इम्पोर्टेंट है, 16th सेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो इतना आप ध्यान में रखिए, 5th, 18th, 16th, 15th, ये चार तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सेशन है हाल में 2015 में जो हुई है, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट के अमेंडमेंट की बात की गई है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, राइट? क्लास में मैंने वो एमसीक्यू सॉल्व करवाया है। इट वॉज अ 46th सेशन ऑफ आईएलसी, जिसमें की फैक्ट्रीज एक्ट में जो ओवर टाइम है उसके अमेंडमेंट की बात की गई है, इट वॉज इन 2015, राइट? तो ये सारे अमेंडमेंट जैसे अभी आप पढ़ेंगे, कभी भी मिले तो नोट्स में ऐड करते रहिएगा। उसके बाद है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑर्गेनाइजेशन द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट 1983 वाज मेड एप्लीकेबल। तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात अगर 1983 की बात हो रही है, तो 1983 का जो स्कीम है WPM का, वो स्कीम का ही नाम है स्कीम ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना? तो इन विच ऑर्गेनाइजेशन द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन 1983 वाज मेड एप्लीकेबल। तो आई होप इसका आंसर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होना चाहिए, बट इट इज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही है, बट यस एट सेंट्रल लेवल। हाँ, एट सेंट्रल लेवल। देखिए यहाँ पे ये जो स्कीम है ना, ये सेंट्रल लेवल पे अप्लाई हुई थी 1983 में, है? तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एट सेंट्रल लेवल, यहाँ पे क्या क्या चीजें आई थी, ये था कि यहाँ पे ये बताया गया था कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हमें तीन जगह पे करवाना है, शॉप लेवल पे, प्लांट लेवल पे और बोर्ड लेवल पे, और बोर्ड लेवल पे, तीनों लेवल पे हमें एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन करानी है। साथ ही साथ बताया गया था कि अगर हम पार्टिसिपेट करवाएंगे तो इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए दोनों साइड से, नंबर शुड बी बिटवीन 10 to 20। 1983 वाला जो स्कीम है, स्कीम ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें पहला पॉइंट क्या बताया गया था, ये वाला तीन लेवल पे होगा। दूसरा पॉइंट बताया गया था 10 to 20 के बीच में मेंबर होने चाहिए, और यहाँ पे एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया था वो ये था कि वुमेन विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल रिप्रेजेंटेटिव। तो 10% ऑफ टोटल रिप्रेजेंटेटिव
वुमेन विल ऑल्सो बी अ पार्ट, ये भी बताया गया था। तो ये तीन पॉइंट हम याद रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट हम लोग याद रखेंगे 1983 का जो हमारा WPM का स्कीम है उसमें। इसके पहले हमारा 1976 है, 1976 में आर्टिकल 43A ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में आफ्टर ओल्ड 20 प्रोग्राम। फिर 1975 में क्या हुआ था, 1975 में शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल, शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल बनी थी। उसके पहले 1970 में क्या हुआ था, 1970 में बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन हुआ था। फिर 1958 में क्या हुआ था, JMC बनी थी। इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकली सारी स्कीम्स WPM के याद रखने हैं, और जहां जहां भी जरूरत हो आप शॉर्ट नोट्स एक एक स्कीम्स के थोड़े थोड़े से बना सकते हैं, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अपॉइंट सर्टिफाइंग सर्जन एज फॉर द पर्पज ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट तभी इंटरफीन करेगी, तब कोई दिक्कत होगा, दिक्कत होगा या फिर शेड्यूल्स में, अगर शेड्यूल में कुछ ऐड करना हुआ, कुछ डिजीजेस को ऐड करना हुआ, तो कुछ लिमिट को ऐड करना हुआ, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। साथ ही साथ अगर इंक्वायरी कमेटी बिठानी हो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। वी विल कमेंट सर्टिफाइंग सर्जन किस सेक्शन में दिया हुआ है मोनिशा, वेरी गुड। चलिए तो वी विल ऐड है, ये जो फिफ्थ लेबर कॉन्फ्रेंस है मैंने आपको बोला था, नॉट श्योर 1944 है कि 1943 है। बी आर अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। वी विल ऐड इट, नॉट 1944। थैंक यू फॉर यस मनीषा, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट 46 सेशन। 46 सेशन IOC का था 2015 में, जिसमें फैक्ट्रीज एक्ट में अमेंडमेंट की बात की गई थी। फैक्ट्रीज एक्ट में जो ओवर टाइम है, ओवर टाइम लिमिट को इंक्रीज करने की बात की गई थी, ओवर टाइम लिमिट को इंक्रीज करने की बात की गई थी। और एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि, लेकिन ऐसा था कि 50 आवर्स जो है हमारे, आई थिंक इट इज सेक्शन सम सेक्शन 64 एंड 65 में, जो ओवर टाइम है पर वीक 50 आवर्स, उसको बढ़ा करके 100 आवर्स, कुछ इसमें 5-6 अमेंडमेंट्स है, 5-6 अमेंडमेंट्स के लिस्ट है, वो लिस्ट आपको याद करनी होगी। वो लिस्ट में आपको एक्चुअली वो क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए जिसमें की लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। फैक्ट्रीज एक्ट का अगर आप सेशन देखोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैम, क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 10 सर्टिफाइंग सर्जन। सर्टिफाइंग सर्जन फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 10 में है, सेक्शन 69 में है, राइट? इट शुड बी इन सेक्शन 69। हाँ, सेक्शन 10 में है, ठीक है, लेकिन आप एक बार सेक्शन 69 देखिए तो उसमें, अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया हुआ है। ओके, सेक्शन 69 में सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में दिया हुआ है, जो कि कौन इशू करता है, सर्टिफाइंग सर्जन। यस, सेक्शन 10 इज करेक्ट यहाँ पे। और यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन का जो काम है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू करना, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस हमारा सेक्शन 69 में। हाँ, यस, सेक्शन 69 में। क्वेश्चन नंबर 19 रवि क्या कह रहे हैं, 19, आई एम गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 19। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद, यस रवि, इज देयर एनी डाउट, यू हैव रिटन मैम क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, रवि का कोई रिस्पांस तो नहीं आ रहा। और क्वेश्चन नंबर 19 का तो मैंने आपको बताया, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद होगा। या सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे फ्रेंड्स।